नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे कोर्सेज चलते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और इस कोर्स में बहुत ही आसानी से एडमिशन कराया जा सकता है। इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही कॉमन है और एक ही कॉमन सिलेबस को कवर करके आप बीएचयू के, एमए के इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। कितनी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन कौन है जो नहीं जानना चाहेगा। सो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बस इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते ये जितने भी कोर्सेज हैं इनका एक रियल एक्सपीरियंस है। इतने ही नहीं, इन 5 कोर्सेज के अलावा भी 4 कोर्सेज जिस पे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपका मास्कॉम है, LLB है, मास्कॉम के ही डिपार्टमेंट में एक और चलता है कॉर्पोरेट करके वो है, और मुझे लग रहा है एक एंथ्रोपोलॉजी है, और आई थिंक एक इसमें जो मेरा मिस हो रहा है कोई एक और कोर्सेज है। तो आप यूँ समझ लो कि MSW यानी मास्टर इन सोशल वर्क, MBMIR, IRDM, लाइब्रेरी साइंस जिसको हम लोग अक्सर आप लोग MLib ऐसा कुछ करके सुने होंगे, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप सोच रहे हो कि सर इतने सारे कोर्सेज हैं, भाई ये सभी कोर्सेज हैं और इन सभी कोर्सेज के अलावा भी कोर्सेज हैं और इनका सिलेबस जो है वो कॉमन है, तो कौन नहीं चाहेगा इसमें एडमिशन ले। हाँ, लेकिन ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ इसके सीट और फीस के बारे में बताइए, क्योंकि आज मैं आपको सीधे इसका सिलेबस बताने वाला हूँ। लेकिन सिलेबस बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑफिशियल इसका एक जो है बुलेटिन वो दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग कन्फर्म हो सको कि ये कोर्स कहाँ रन करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU MA सोशल वर्क, जो कि मैं एकदम पहले नंबर पे नोट किया था। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे जाते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये हेरिटेज मैनेजमेंट, खैर ये भी उसी में आता है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्सेज में ही है। आप अब जिसका इंटरेस्ट है, भाई आप देखो पेज नंबर 212 के आसपास, 4 ऊपर 4 नीचे चले जाओ, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि इसी से जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर सिलेबस से जुड़े हुए हैं, और आपके अगर चॉइस है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानो और फॉर्म भरो। बेसिकली ये कॉमन है, इट मीन्स कि इसमें डोमेन नहीं चाहिए। डोमेन मतलब क्या होता है, BHU में एक रूल है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो लॉ में भी आ गया है, सेम कोड है, ठीक है, और थोड़ा नीचे जाते हो होम साइंस में सेम आ गया है, लेकिन हमें BHU देखना है ना, तो BHU हम लोग देखते हैं। तो ओवरऑल मैं बहुत मेहनत करके निकाला हूँ ना, मास कम्युनिकेशन देखो बनारस में इसी में है, और अभी मैं आ जाता हूँ सीधे अपने जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, चूंकि मैं ऑलरेडी पूरा बुलेटिन पढ़ा हुआ है, तो आप लोग एक बार फॉर्म भरने से पहले वो जाके मैच करा लीजिएगा। अब बेसिकली फॉर्म में चूज कैसे करना है, ए मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाने से पहले बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरोगे तो BHU चूज कर लिए, BHU के साथ साथ क्या आपको इन सभी कोर्सेज को करने हैं, तो इन सभी कोर्सेज को आप चूज कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप जाना और जो मैं आपको लास्ट में कोड बताऊंगा उस कोड को आप टिक कर लेना। आई थिंक वो कोड वहां पे कॉमन या जनरलाइज करके जनरल करके होगा, ठीक है, मैं कोड बताऊंगा, बेसिकली आप उस कोड को ध्यान देना कि वो कोड वहां पे है कि नहीं। आइए हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। ओके, हमारे यहाँ इस कोर्स में इट मींस कि जो आपका CUT PG रिकमेंड करता है वो है कितना, 4 सेक्शंस, जो कि ऑफिशियल है 4 सेक्शंस जो है। वो पहला है लैंग्वेज, इट मींस कि भाषा से क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था लॉ वाला, LLB 3 ईयर्स का और मास कॉम का, उसमें मैं देखा कि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो लैंग्वेज है, क्योंकि यही कॉमन सिलेबस उनका भी है, तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा या कोई चूज करना है। एग्जैक्टली आपको चूज करना है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं। ठीक है, ये देखो क्या है, ये और है यहां पर, ठीक है, या हिंदी या इंग्लिश। अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। दूसरा क्या है, जनरल साइंस, इट मीन्स जनरल नॉलेज में साइंस भी आएगा, इट मीन्स क्या, बेसिक साइंस और जनरल नॉलेज, लाइक व्हाट, लाइक करंट अफेयर्स, बहुत ही बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज ध्यान देना, जैसे ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज जो इंडिया के बारे में हो, बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट हो चाहे मिडावल हो चाहे मॉडर्न हो, बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, संविधान के बारे में, जैसे क्या प्रीएम्बल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, साथ ही साथ कुछ पार्ट्स हो गए, कुछ शेड्यूल हो गए, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इन सभी के बारे में बहुत थोड़ा सा नॉलेज रहेगा, तब आराम से बेसिक GK जो है वो कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा स्टेट्स से भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे ऊंचा लंबा ये सब इसमें आता है। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, BHU पाठशाला पे जो है ये नंबर आप देख रहे हो
9519383272 95 1932 7292 बेसिकली इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूरा डिटेल ले सकते हो, क्योंकि हम लोग आपके इस कॉमन पेपर का जो है वो कोर्स रन करा रहे हैं। एलएलबी इंक्लूडेड है, बीएड इंक्लूडेड है, साथ ही साथ मास्कॉम इंक्लूडेड है, एमपीएमआईआर, आईआरडीएम, एमएसडब्ल्यू, ये सभी कोर्सेज जो है वो हमारे यहाँ इस एक कोर्स के अंतर्गत, इस एक कोड के अंतर्गत प्रिपेयर किया गया। 4 सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारे यहाँ कंप्यूटर जो अभी 10 तारीख से शुरू हो रहा है, बाकी कोर्सेज तो एज इट इज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे तीसरे नंबर पर क्या आता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको बताया, इसमें कुछ ऐसे 4 सेमेस्टर होंगे, तो 1-2 सेमेस्टर ऐसा होता है जिसमें आपसे टेक्निकल राइटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसे सेक्शंस जुड़े जाते हैं, टॉपिक जुड़े जाते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। दिस इज द रीजन कि आपसे कंप्यूटर का ज्ञान होना उम्मीद की जाती है। लास्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इट मींस व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग मतलब बेसिक्स मैथ एंड रीजनिंग, बेसिक्स रीजनिंग। बेसिक मैथ की बात जब मैं करता हूं तो एडवांस मैथ में नहीं जाना, मतलब कैलकुलस नहीं। क्या आएगा, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, डे वर्क, टाइम, ये सब जो हो गया CISI, बेसिक्स जो मैथ होते हैं अर्थमेटिक वाले, वो थोड़ा मोड़ा आप मतलब फार्मूला बेस्ड मेंसुरेशन देख सकते हो, थोड़ा मोड़ा ज्योमेट्री देख सकते हो, उसके थ्योरम समझ सकते हो, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत डीप नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत जनरलाइज सिलेबस है। क्वेश्चन पूछने के तरीके यानी पैटर्न में इधर उधर देखो ये लोग खूब करेंगे, लेकिन बेसिकली जो इनका रिकमेंडेड टॉपिक्स है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो बेसिक्स मैथ, बेसिक्स रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है, ध्यान देना। और जनरल साइंस हो गया, मतलब जनरल हो गया हम लोग का, कंप्यूटर भी हो गया। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 क्वेश्चंस में, कितने क्वेश्चंस में, 100 क्वेश्चंस में। अब भाई सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पता ही होगा 4 सेक्शन है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 25 25 25 एंड 25 25, टोटल 100 हो जाएंगे, 25 25 25 25 मिला के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके ऑफिशियल कोड पे। ये ऑफिशियल कोड आपका जो है वो बुलेटिन पे दिया हुआ है, आपको बेसिकली इस कोड को चूज करना है फॉर्म भरते वक्त। आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग पता चले कि हाँ एक्चुअली ये कोर्स रन कर रहा है। अब मैं एक मुद्दे पर बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये जो कोर्सेज मैं आपको बताया स्टार्टिंग में, ये सभी इन कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले आपको इस कोर्स की फीस पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपके मात्र 3-4 हज़ार में हो जाएंगे साल भर में, लेकिन कुछ कोर्सेज साल का लगभग 30-35 हज़ार पे करना होता है। जैसे कि MSW लगभग मिल रहा है 32K के आसपास ही होगा, उससे ऊपर भी हो सकता है। रेगुलर का अगर पेड हो गया तो उसमें आप 10K ऐड कर लेना, 10 या 12K ऐड कर लेना उसमें, ठीक है, उसमें 10K या 12K ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, मतलब 42 हज़ार हो जाएगा। उसी तरीके से IRDM की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जैसे मास्कॉम बात करते हो 3 हज़ार में हो जाएगा, ये चीज है। LLB कम में ही हो जाएगा। बेसिकली आप कमेंट कर दो मुझे कि सर आपको फी डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, अगर कमेंट 10-15 दिख जाएगा तो मैं इसके फी डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो BHU पाठशाला देखते रहे, एक बार मैं फिर से आपको रिकमेंड कर देता हूं कोर्स के बारे में। ठीक है, ये है नंबर, इस पर आप कॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं कुछ और अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि NTA जो है वो समय से भी आगे तेज काम कर रहा है, CUT जो है वो समय को ही पछाड़ दे रहे हैं, ये लोग कोड आए दिन बदल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कोर्सेज के कोड जो है बदले गए हैं, उसका मैं अपडेट जो है वो BHU पाठशाला के बाकी सोशल मीडिया से दे दूंगा। ट्विटर पे फॉलो कर लो, लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और BHU पाठशाला को बेसिकली चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर एक अपडेट दिया जा सके। प्लीज जब तक एडमिशन हो नहीं जाता है, आपके सब्सक्रिप्शन में BHU पाठशाला सब्सक्राइब होना चाहिए, ये बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट्स के लिए और BHU में जब एडमिशन के दरमियान, काउंसलिंग के दरमियान आपको जब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो BHU पाठशाला वहां पर अवेलेबल होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर महादेव, बहुत सही शुभकामनाएं।